हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ निशा एंड ये जो आज की वीडियो रहने वाली है वो IBPS PU मेन्स के ऊपर रहने वाली है कि कैसे हम लोग मैनेज करें अपने टाइम को एंड स्ट्रैटेजी को कि हम लोग एक्सेल कर पाएँ IBPS PU मेन्स में। एज एवरी वन नोज कि IBPS PU मेन्स का एग्जाम जो है वो 5th November को स्केड्यूल्ड है एंड यू ऑल नो कि जो वैकेंसीज हैं वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही हैं। जो अभी रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं वो 5500 समथिंग है। सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा चांस है एंड इसलिए आप लोग ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। जो मैं सिर्फ बताने आई हूँ, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखेंगे ये हम, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो लोग मॉक टेस्ट देना प्रेफर करते हैं। लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु गिव मॉक टेस्ट एंड हु डोंट गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जो लोग मॉक टेस्ट देना प्रेफर करते हैं तो उनको तो आप 3 दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट दे दो, बस वो दैट इज़ मोर देन इनफ। ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे या हर 2 दिन में हम लोग एक मॉक टेस्ट लगा रहे, 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट काफ़ी है, ठीक है। उसका एनालिसिस के साथ, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं करे उनका भी आपको वो प्रैक्टिस करके देखना है। तो इसलिए 3 से 4 दिन दिए हैं हमने एक मॉक टेस्ट को, ताकि हम लोग जो उसका एनालिसिस कर पाएँ कि हमने यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग करे, हमने कितने क्वेश्चंस छोड़ दिए बिना सोचे समझे, हमने जिन पे टाइम दिया बट हम लोग कर नहीं पाए, तो उन क्वेश्चंस को भी हमें ट्राई करना है बाद में, ठीक है। 3 से 4 दिन में आप लोग एक मॉक टेस्ट दो। अब उसके अलावा भी, मॉक टेस्ट देने के अलावा भी आप लोग टाइम बचेगा ही बचेगा, क्योंकि एक मॉक टेस्ट मैक्सिमम अगर आप एक दिन बैठते हो, 3 घंटे का अराउंड मॉक टेस्ट हो गया और 2-2.5 घंटा आपका एनालिसिस हो गया, 5-6 घंटे में आपका ये पूरा एक मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस वाला पार्ट मैं हटा रही हूँ, आई नो दैट, तभी 3 से 4 दिन दिए हैं, बट इसके अलावा भी कुछ ना कुछ तो करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, जो मैं सुबह करती थी ना, मैं अपना स्केड्यूल आप लोगों को बता देती हूँ। सुबह देखो 5 बजे अगर उठ पाते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ टाइम का ही स्ट्रगल है, उसके बाद तो जॉब लग जाएगी तो फिर तो आराम से ही उठा करोगे, ठीक है। बट अगर 5 बजे नहीं उठ पाते हो तो 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे से 8 बजे तक एटलीस्ट 2 घंटा करंट अफेयर्स करो। सुबह सुबह जो करते हो जनरली वो याद रहता है, अपने केस में मैंने देखा है, बाकी बहुतों के केस में देखा है, तो प्रेफरेबल टाइम आप लोग देख सकते हो अपना, ठीक है। तो सुबह उठ के करंट अफेयर्स करा, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह हो गए, फ्री होने के बाद देन आप मॉक टेस्ट देने बैठो, ठीक है। लंच मॉक टेस्ट आप ख़त्म कर दो बिफोर योर लंच, मतलब 3 घंटे का है तो वो ख़त्म कर दो आप, ठीक है। उसके बाद आप लंच के बाद अपना एनालिसिस शुरू करोगे, ठीक है। एनालिसिस 2-3 घंटे ले लेगा, शाम का स्नैक टाइम हो जाएगा, चाय वाय पियो अपनी, कॉफ़ी पियो अगर कुछ करते हो तो। उसके बाद आपका शाम का टाइम फिर से जो शाम से रात तक का है वो तो अभी तक फ्री है, तो क्या कर सकते हो आप लोग उस टाइम पे, क्विजेस दे लिए, या आप लोगों ने इंग्लिश की मेंस की क्लास आपने यूट्यूब पे देख ली, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनके सेशंस आपने देख लिए। सी, इंग्लिश इज समथिंग जो मैं जनरली क्या करती थी ना, कि वेन एवर आई एम टायर्ड मैं तब वो चीज़ करूँगी जो मेरा प्लस पॉइंट है, जैसे इंग्लिश और करंट अफेयर्स का रिविजन आप लोग लेटे लेटे बैठे बैठे आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद शाम को आपको क्या करना है, हमने सुबह करंट अफेयर्स कवर कर लिया, पूरे दिन हमने एक मॉक टेस्ट दे लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, शाम को आप इंग्लिश की वीडियोज़ देख लो, सेशंस देख लो, विशाल सर के देख लो, आप निमिषा मैम के देख लो, जिनको भी जिनका भी आपको समझ आता है जिस टीचर का, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दोज पीपल जो मॉक टेस्ट देना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें उनके लिए क्या करना है, मतलब वो लोगों को क्या करना है, ऑब्वियसली आई नो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अड्डा के ना काफ़ी सारे क्विजेज, इनफैक्ट मेंस के भी क्विजेज होते हैं, प्रीलिम्स के तो होते ही होते हैं, मेंस के भी काफ़ी होते हैं। तो आप लोग अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे क्विजेज में जाओ, डेली क्विजेज में 10-10 मिनट का एक एक क्यू क्विज होता है, उसमें 5-5 क्वेश्चंस करने होते हैं, आराम से आप वो लोग वो करो। रीजनिंग का भी अवेलेबल होता है, जनरल अवेयरनेस का भी, क्वांट्स का भी, इंग्लिश का भी, डू दैट, ठीक है। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू जनरली, सी ड्यूरिंग माई IBPS PU मेन्स प्रिपरेशन टाइम व्हाट आई यूज टू डू, मैं वर्चुअस की क्लास, वर्चुअस चैनल है रीजनिंग का, ठीक है, तो उनका मेन्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने जितने भी अपने मेन्स की प्रिपरेशन करी है मैंने उसी चैनल से करी है व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग, ठीक है। तो बेशक आप उनका, मतलब उनके जो यूट्यूब के सेशंस भी होते हैं ना, इनफैक्ट अभी भी चल रहे हैं, IBPS PU मेन्स के भी उनके सेशंस चल रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी आप करो साइड बाय साइड, क्योंकि उससे आपका जो मतलब थिंकिंग एबिलिटी है ना वो आपकी इन्हांस होगी। एंड ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम आपको वही चाहिए कि आप कौन सा पैटर्न क्या लगा सकते हो, इनपुट आउटपुट हो गया, जिस भी चीज़ में आप
क्या क्या कर सकते हो, आपका सोचने का तरीका फास्ट होना चाहिए और जल्दी आपको सोचना है व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग, ठीक है। उनके सेशंस की क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो यू ऑल कैन रिलाई ऑन टू हिम, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग। एंड देन व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स, आपको हर्षल सर को फॉलो करना चाहिए, मतलब बाकी तो देखो सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट अकॉर्डिंग टू मी हर्षल सर बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट अवेलेबल करवाते हैं, इवन मेन्स का भी ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो जिन लोगों के पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है वो यूट्यूब से इजीली अपना मेंस का कंटेंट वहाँ से पढ़ सकते हैं, हर्षल सर के चैनल पे लर्निंग कैप्सूल्स करके हैं। उनका पढ़ाने का तरीका, उनके क्वेश्चंस जो वो करवाते हैं सॉल्व, वो देखो मेरी ना क्वांट्स वीक है थोड़ी, मैं हमेशा क्वांट्स से कभी भी मार्क्स गेन नहीं कर पाती थी अपने किसी भी, चाहे मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, मेरा क्वांट्स से कभी भी मार्क्स गेन नहीं होते थे, ठीक है। इट वॉज लाइक एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो I have followed him and जो जिस टाइप के क्वेश्चंस वो करवाते हैं obviously उस चीज़ में उसमें काफ़ी हेल्प हुई थी मेरी when I appeared in mains, IBPS PO mains कह लो, RRB PO mains कह लो, SBI PO mains कह लो, किसी भी mains में I have appeared, उनके सेशंस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं और फ्रूटफुल भी रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन रिलाई ऑन हिम। एंड इवन अरुण सर भी हैं अन अकेडमी के, जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो भी यूट्यूब पे सेशंस देते हैं, आप उनके भी सेशंस देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया है कि विशाल सर के आप सेशंस देख सकते हो, ठीक है। उन्होंने सी अब जिस भी आप ट्यूटर का देख रहे होते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उनका IBPS PO mains का ही देखोगे, आप उन्होंने IBPS PO mains के लिए अगर सेशंस नहीं दे रखे हैं, आप RRB PO mains की इंग्लिश देख लो, आप IBPS क्लर्क mains की इंग्लिश देख लो, इंग्लिश प्रैक्टिस करने से मतलब है ना। तो आप उनके वीडियोज देख सकते हो, इवन निमिषा मैम की भी वीडियोज देख सकते हो आप। प्रैक्टिस मॉक पे फ्री क्विजेज रहते हैं मेंस के भी, आप वहाँ से वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। एनालिसिस करना, मतलब जो भी क्विज दे रहे हो एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड देन ऑलिव बोर्ड पे जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ऑलिव बोर्ड पे आपका मैराथन सेशंस चलते रहते हैं। अभी भी मैं देख रही थी तो लास्ट 4 months का उन्होंने करवाया हुआ था मैराथन सेशन, तो आप प्लीज़ वो भी जाके देख सकते हो। बैंकिंग करंट अफेयर्स का अलग से, जो लोग अफेयर्स क्लाउड की PDF को फॉलो कर रहे हैं तो जस्ट स्टिक टू दैट PDF ओनली। हाँ, रिविजन के लिए आप लोग मैराथन सेशंस को देख सकते हो, ठीक है। देर इज़ नो हार्म इन वॉचिंग एनी मैराथन सेशन ऑब्वियसली, ठीक है। PDF को रिविजन हमें रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है, रिविजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। एंड प्रीलिम के क्विजेस करो, प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस करो, एंड अड्डा के क्विजेस करो, जो भी मॉक दे रहे हो, मॉक अगर देते हो आप लोग तो डू कीप डूइंग इट। एंड इन सब के आप लोग वीडियोस ज़रूर देखो, मतलब सी आई नो कि इतना ज़्यादा वीडियो देखना भी वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट। एंड सी एक ना थिन लाइन होती है कि जब आपका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है यूट्यूब में, जब आपका कम यूज़ हो रहा है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही करना है। सेल्फ प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी की भी वीडियो भी देख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल चैनल पे मेंस का रीजनिंग का आपने वीडियो देखी, उसको पॉज करो वहीं के वहीं, ये नहीं सर करवा रहे हो और आप करे जा रहे हो, नहीं, अपना दिमाग चलाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है थोड़ी, वीडियो पॉज करो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यहाँ ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इनपुट आउटपुट का, या कोई भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कुछ भी है, स्टार्ट थिंकिंग। पजल है, पजल को पॉज करके अपना टाइमर स्टार्ट करो कि हाँ आप वो पजल कितने टाइम में कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसे करना होता है। एंड इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन मेंस एग्जाम, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो कि नहीं कर रहे हैं, जो कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, बट हाँ, तो उनका क्या स्केड्यूल रहना चाहिए, सेम थिंग, सुबह 5 बजे 6 बजे जितने भी बजे आप जल्दी उठ सकते हो, मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, ठीक है, डू दैट। तो सुबह उठ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करो अपने, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी सीक्वेंस में करना चाहते हो अपना स्टडीज़, आप उस सीक्वेंस में कर सकते हो। इफ़ somebody वुड आस्क मी, तो मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स करती थी, उसके बाद मैं कॉइंस को करती थी, फिर मैं शाम को रीजनिंग करती थी, क्योंकि शाम को मुझे नींद आ जाती थी तो रीजनिंग मैं तब करती थी, एंड रात को या थोड़ा सा मतलब 7 बजे के अराउंड तब मैं करती थी इंग्लिश, ठीक है। तो मेरा ये सीक्वेंस रहता था, जस्ट बिकॉज आई यूज टू डू इंग्लिश एट द लास्ट, बिकॉज अदर स्ट्रॉन्ग सेक्शन वही है, ठीक है, तो इसलिए। एंड इसके अलावा अगर किसी को भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके, वेदर इट्स RRB PO इंटरव्यू और IBPS PO मेन्स एग्जाम, सो
आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग कर सकते हो एंड आई विल रिप्लाई. एंड अच्छे से पढ़ाई करो बिकॉज दिस इज़ द मोमेंट वेर यू कैन शो हाउ मच यू हैव स्टडीड. ठीक है, पूरे साल में गिव योर बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड. थैंक यू सो मच.